देश में रची जा रही थी बड़ी साजिश। अलकायदा के निशाने पर थे मोदी। 22 नेताओं पर हमला करने की थी साजिश। एनआईए ने किया भंडाफोड़। तमिलनाडु के मुदैर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अलकायदा के कई ठिकानों पर छापेमारी कर 3 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार तीनों आतंकवादियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत टॉप 22 लीडर की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने बताया कि तीनों गिरफ्तार आरोपी भारत में स्थित विभिन्न देशों के दूतावासों को धमकाने में शामिल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक एनआईए ने अलकायदा के आतंकियों की हरकतों के बारे में पुख्ता सूचना जुटाने के बाद ही गिरफ्तारी की है। इन पर पिछले 10 दिनों से सुरक्षा एजेंसियां नजर बनाए हुए थी। तीनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि तीनों आतंकी दक्षिण तमिलनाडु और मुदैर के आसपास अलकायदा का सेंटर चलाने में लिप्त थे। देश की कई अदालतों में हुए बम विस्फोटों में भी इनके शामिल होने की बात सामने आ रही है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।